काय टेंशन ले रहा है आज। सुबह जा रहे हैं, मम्मी रोटी बेल रही, अजय सब्जी काट रही। काय की सब्जी है? कि आलू टमाटर आलू टमाटर की सब्जी कट रही है। हसिया से इतने लंबे लंबे काय काट रहा है? ऐसे ही अच्छी लग, तुम्हें लगते मुंह तो नहीं लगा था, बीच में से भी काट दो। हाँ इतने छोटे छोटे हैं ऐसे ही, हैं ऐसे लंबे लंबे आलू काट दे। तो ऐसा सो गाइस, आलू टमाटर की सब्जी बना है आज हमारे ते। सुजे आए नहीं रहे ठेला, कितनी सब्जी ये रखी सब्जी की तैयारी कर रही हैं और मम्मी रोटी बनाने की तैयारी कर रही हैं, मतलब बना चुकी हैं। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया रोटी बना रही हैं मम्मी। तो आपका चुकिया बचाओ रोटी के बारे में। काके बचा, गर्मी लग रही। सो गाइस खेल देखिए बनाओ ना, खेल बनाओ सुबह देखिए ये रोटी मम्मी द्वारा बनाई जा रही है आज जी गाइस। तो ये देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, हसिया से सब्जी काटी आ रही है, अब हम कैंची से चाकू काटी चला ही जाए। नहीं पाते। तुम चाकू नहीं चला पाते? तो गाइस ये चाकू से नहीं काट पाती है सब्जी, हसिया मम्मी से। जी कैंची से इसे काट लीजिए। हाँ तो मैं भी वो अच्छा, तो ये मिर्ची कैंची से काटेंगी और आलू टमाटर इन्हें हसिया से काटे हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या सब्जी है ना, सब्जी को क्या कहते इंग्लिश में? वेजिटेबल, है वेजिटेबल, बेजी, बेंजीटेबल? वेजिटेबल फिर नहीं, अच्छा वेजिटेबल, तो तेज बोलो ना, वेजिटेबल, वेजिटेबल्स बोलते हैं एस हाँ लगाए बस। वेजिटेबल सब्जियां हो जाती। अच्छा, एक सब्जी बना रहे तुम अकेली? तो इतनी ढेर सारी तो है ही ये वेजिटेबल्स। सबको मिलकर एक बनाएगी। अच्छा जी, चलो तो ठीक है। और सो और जाए मिर्ची को क्या कहते इंग्लिश में? पता नहीं, सो गाइस देखिए, इन्हें मिर्ची को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं है। और तुमने पढ़ाई कहाँ तक करी? नहीं नहीं करी करी? बांधना तो कह रहे थे पढ़ो तो बहुत कछु है, हाथ कछु नहीं है। फिर से कह दो एक बार। सो गाइस ये मिर्ची काट रही हैं, मिर्ची का पता नहीं है क्या बोलते हैं इंग्लिश में। और टमाटर को है, टमाटर को टोमेटो। अच्छा, और आलू को पोटैटो, पोटैटो। देखिए गाइज, आप लोग बोलते हैं कि इन्हें इंग्लिश नहीं आती, पर इन्हें इंग्लिश आती है। इन्हें टोमेटो पोटैटो दोनों पता है और मिर्ची नहीं पता है। तो मिर्ची बता देते हैं हम, मिर्ची को बोलते हैं चिली। पता फिर क्यों नहीं बोल रहे थे? है ग्रीन चिली बोला थी, हरी मिर्ची को तो तुम बोल क्यों नहीं रहे थे? कहाँ देख रहे थे। देख रहे थे मिर्ची? तो गाइज देखो, मैं सही बताऊं, इसको पता तो याद नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा याद था। लेकिन ये सोच रही थी उल्टा, इसको अगर अनियन बोलते हैं, क्या बोलते इसको, ऑनियन। और इसको लहसुन का सच में पता नहीं, याद नहीं है लहसुन। लहसुन को तुम्ही बताओ, गार्लिक गार्लिक। शायद, अब मुझे भी नहीं हाँ पता है। हाँ चलो तो गाइज, इन्हें इंग्लिश भी आती है, आप लोग बोलते हो इंग्लिश नहीं आती। तो इनसे कुछ और पूछते हैं इंग्लिश में। नहीं पूछते ही। व्हाट्स योर नेम? इंग्लिश में बताना पूरा। तो पागल बना बताओ ना, का है, का दिक्कत है, बताओ व्हाट्स योर नेम। सिंपल है, तुमने दी। माय जो तो नेम इज साधना है यादव, पूरा इंग्लिश में बोलो। माय नेम इज साधना तो यादव। गाइज देखिए, अब हम इन पे रोज ब्लॉग बनाया करेंगे और इनको इंग्लिश सिखाया करेंगे, ठीक है? तो इन्होंने बोला माय नेम इज साधना यादव, सही बोला है। ओके, अब नंदो, अब हम से ना पूछो। व्हाट व्हाट डू यू डू? को मैं घर को काम करता ही होता करते। ओ बढ़िया है। देखो गाइस, व्हाट डू यू डू भी बता दिया इसने कि घर का काम करते हैं हम, सही है। हाउस फिर वाइफ, हाउस वाइफ बोल सकते हो अपने आप को। ये का कह गए। शायद। और तुम्हारी व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी?
तो सो बहुत अच्छा लगता है यार, खेल कुछ पसंद नहीं। सो गाइस देख लीजिए, लोगों की हॉबीज होती है क्रिकेट खेलना, गाना गाना है, डांस करना, डांस करना, लेकिन इनकी हॉबी है ढोलक बजाना। अच्छा अबे तुमने कही सो वो, लेकिन अब सही वो लगता है, अब ढोलक की तरह से कुछ नहीं पाता। तुम्हें तो तुम्हारी फेवरेट हॉबी क्या है? ढोलक बजाना। अरे यार जो बोल रहे थे वो बोलो ना, पहली बार सो अच्छा। इनकी फेवरेट हॉबी है सोना, देख लीजिए आप, पहला इंसान है जो बता रहा है कि मेरी हॉबी है सोना। अच्छा और फेवरेट प्लेस क्या है जहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा घूमने लगता हो? वृंदावन। मथुरा वृंदावन है? कितने बार जा चुके? अभी पहली बार ही गए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। एक बार ये गई है घूमने और इसे बहुत अच्छा नहीं हो रही थी वापस आने, इच्छा ही नहीं हो रही थी, वहीं बनवा लेते घर होते ही रह लगते। तुम तो इतने हो, मुझसे कहा हो रहा हूँ अभी है। चलो ठीक है, और कौन सा व्हाट्स योर फेवरेट गेम? जब कह रही है मैं खेल वो पसंद है ही नहीं, तो खेल वो नहीं है लेकिन देख वो भी तो नहीं है पसंद, देख वो भी नहीं है तो गाइस देख लीजिए। मैच पे तो सबसे ज्यादा गुस्सा हूँ। काहे पे? क्रिकेट पे? काहे? मामा नहीं देखते काहे, तो तुम्हें पसंद खेलो ही नहीं है, तुमने कहूँ छो पसंद नहीं है तुम्हें, समझ में भी नहीं आते, समझ में भी नहीं आते। सही है फिर। हम आ गई बटी और देखो अभी हम खूब पेला एक सेंगी एक खाने। सुबह जी कह रही हैं हमारी आ गई बटी, बटी का होते चिमरी। हाँ। चिमरी आ गई, सो अब जी कह रही हैं अभी एक एक पेला हम चिमरी। सही है, हमें बची रंदी हो कि नहीं, अकेले पूरी ही खा ली। तुमने कल हमारे यहाँ साकी खा गई थी। अच्छा चलो फिर ठीक है, आज नहीं खाएंगे तो मैं। हम सही हम लेते हैं थे कि हमने कहीं कहाँ जा रहा है, कह रहे हम तो जा रहे हैं बाथरूम कर पे, वही तक किचन में बैठ के चोरी चोरी हमारी पूरी कटी कटाई फ्रिज में रखी थी, सो पूरी बटी खा गए थे। हम देख भी आए सो छिलका धरे मिले फ्रिज में हमें। अच्छा चलो ठीक है फिर। तुम्हें क्रिकेट क्यों नहीं है पसंद? अच्छा तुम्हें क्रिकेट में किसी का नाम पता है? कोई बताओ प्लेयर का नाम। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित, पता नहीं क्या रोहित और सचिन तेंदुलकर। अच्छा नाम तो सचिन तेंदुलकर क्या करता था? जो नहीं जाना। और विराट कोहली क्या करता? वो भी तो बैटिंग क्या करता ही बैटिंग बैटिंग और क्या करती विराट कोहली? और बॉलिंग भी करती। बॉलिंग भी करती हमें नहीं आता तो हम ना देखते। और धोनी वो भी बैटिंग और क्या करता? वो ही नहीं आता तो ठीक है। तो बार आता है जो चीज की सब दुकान पे हैं वो सामान भरा कितनी बिजली चमक रही है यहां आती है उधर का लाइट माई थी लाइट तो जी अंदर पूरी दुकान सामान सब हम तो पता रात तीनों सब चल रहे थे सब बंद कर दो हैं। अरे राम राम। तो का वजह से जल गया मतलब? अरे बिजली चमकी तो लाइट माई थो वैसी थोड़े बैठे के दाम लगा रोस्टे हुई हैं बोलते कोई है तो नहीं वे लोग होते ही तो रहते हैं दुकान में दुकान में तीनों वाली इनकी एक की अकेली हैं तो बहन जी की भी तो गाइस जैसे कि आप सुना अपने मम्मी से कि कल रात को हमारे यहाँ बारिश हो रही थी और बारिश के टाइम बिजली भी तड़क रही थी तो बिजली तड़कने से यहीं तार स्पेयरिंग हुई तो यहीं हमारे पास में एक शॉप है तो उनकी पूरी दुकान जल गई बिजली तड़कने से। सोचो 5-6 दुकानें जल गई। सोचो देखो हमारे तो 5 जने हैं, हमारे तो 5 बटी आ गई हैं। देखो हम तो इनमें से सबसे बड़ी वाली है।
सो गाइस देखिए ये पांच बटी इनको क्या बोलते हैं आप लोग, आप लोग जरूर कमेंट में बताना। हमारे यहाँ तो इनको चिमरी बोलते हैं और इनके एमपी में बटी बोलते हैं, बटी। और हमारे तरबूज को कलिंदरो बोलते हैं। तो कलिंदरो तो हमारे तरह भी के थे। ओ मोड़ी मोड़ा होते से चिल्ले आधा साइकिल तो बैठ गए मम्मी कलिंदरो आलो कलिंदरो आलो। सो बढ़िया है गाइस, इनकी सब्जी कट रही है और चिमरी इनके सामने आ गई है। मम्मी ने धर दी है, मैं कहना वेट लो कौन जाने। ठीक है फिर बढ़िया है। धनिया निकाल लो अरे तुम ही जाओ देख के नहीं लेते कछु चीज ले सो। हमारे तो पता सब चीज है ना, पांच पांच आते ही। पांच का बजे से आते ही कहे हमारे तो पांच जने हैं। तो पांच जने हैंगे, पांच जने को है तुम्हारे घर में बताओ जल्दी आज सब बता दो। हम हैंगे और हमारे पति देव हैं। देव हैं तुम्हारे पति देव तो सप, सपना का पति है और हमारे भतीजा आएंगे और हमारे पापा मम्मी हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर पांच जन। अब देखिए गाइस इनकी प्याज कट रही है, आलू कट चुके, टमाटर कट चुके, मिर्ची कट चुकी, लहसुन कट चुको। सही है फिर है? खरबूजा नहीं सही कहते इंग्लिश, खरबूजा भी नहीं सही कहते इंग्लिश में। देखो हमें आँख है, हैं? आँख है। हाँ इंग्लिश में नहीं, हिंदी में हो तो वो खरबूजा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, पता नहीं, याद नहीं मुझे यार, इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है मेरी। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मी ने बाल्टी धर दी पानी की इतने संगे, और आप लोग भी दही पानी दो सब्जी दो धर दी। जे आप भी कहता अगर बाहर से ठेला से कछु भी ले तो पहले वह अच्छे से धो लें और फिर ही फ्रिज में रखें और फिर ही उसको खाएं। ठीक है, इस टाइम पे कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप कुछ भी बाहर से सामान खरीदते हो तो पहले उसे अच्छे से धो लें और अच्छे से धो लो भाई, मैं डाल के पानी में। तो आज हमारे तो टिक्की बनने हैं, जो टिक्की बनावेंगी बनाओ टिक्की बनाओ। चलो सही है फिर, जे आलू काट चुके और का जे भी काटने का धोने हैं, जे वाले धोने हैं। ठीक है फिर तुमने धनिया तो रख पाँच रुपया को है वो, तो कहीं पाँच को जो है पाँच रुपया को, फिर हमें और भी तो है सब्जी के साथ बांधा हो तेरा पाँच को उतना हमें सब्जी के साथ। तो आप लोगों के अभी क्या सब्जी के साथ धना फ्री मिलता है धनिया? हमारे धनिया ये लड़ाई कर रही है, ये बोल रही है उनने कम दिया जे दिया। तो गाइस आप लोग जरूर घर में कोई भी सामान बाहर से खरीदो तो उसको धोकर ही रखें, बहुत खराब समय चल रहा है कोरोना का। कुआ पे भी छोटे छोटे टमाटर लगे। देखिए गाइस आपने जैसे कि पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था हमारी भैंस छूट जाती हैं, बट वो तो रात के छूट गई, वो तो भगवान ने बचा लिया हमारे पे। भैंसे पता नहीं कितनी रुहानी है, तो देखिए मम्मी ने रोटी बना ली है, थोड़ी सी बची है और ये यहाँ सब्जी ये काट रही हैं, ये सब्जी की तैयारी कर रही हैं। सो घर में ऐसे ही मिल बांट के सब काम करें, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुश रहो और अपने घर पे अच्छे से ख्याल रखो, कोरोना का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइम चल रहा है, तो आप लोग जरूर इस चीज़ पर ध्यान दें, बाहर से कुछ भी खरीदें तो उसे अच्छे से धो लें तब ही खाने में उसको इस्तेमाल करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो और बाय कर दो, एक बार बाय सब बाय कर दो, बाय एक बार बोल दो, मौसे बोलियो बाय।